सो फाइनली वी आर हियर एट सेलुलर जेल, हिंदी में काला पानी जेल कहते हैं ना, राइट? हाँ अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन 4। सो बेसिकली क्या है, सेलुलर जेल के सामने यहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई हमारी गाड़ी जो थी वो पीछे वहाँ पे पार्क हुई है, सियाज। सो ये है सेलुलर जेल, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कड़ी सजा देने के लिए यहाँ पे कैदियों को भेजा जाता था, और ये काला पानी जेल के नाम से ये फेमस है। सो यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों को यहाँ पे भेजा गया था सजा काटने के लिए। सो अभी हम भी इसके अंदर जाएंगे, जाके देखेंगे कि ऐसा क्या है इसके अंदर और क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। सो वो रिकॉर्ड करके हम सब चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। So from here we are starting. चलो चले। This is called under entry. This is a sort of museum. स्वतंत्रता आंदोलन और अंडमान कलात्मक अभिव्यक्ति, यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स सारे, ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये इस टाइप के वहाँ पे ऐसे यहाँ पे बांध के रखते थे जंजीरों से और सजा दिया जाता था। दीज आर द ब्रिटिशर्स। ये भी स्वतंत्र सेनानी कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि ये भी सेंटिनल्स है। सो जो अंडमान के जो लोकल्स थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया था। आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स ऑन सेलुलर जेल। काला पानी ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन्स कैसे काला पानी जेल में भेजा जाता था, लोगों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। पेनल सेटलमेंट्स, लाइफ इन द पेनल सेटलमेंट्स। This is the miniature of cellular jail. So you can see that ये सारे कारागार हैं। So basically total 2, 4, 6, 7 कारागार हैं।
ये एंट्री पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने अभी एंट्री किया। तो ये सारी स्टोरीज़ हैं लाइक यहाँ पे क्या क्या अत्याचार हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग आए थे, क्या क्या किया जाता था इन सब के साथ। सो इस वीडियो को आप पॉज करके इस इन स्टोरीज़ को पढ़ सकते हैं। लैंडस्केप बना बैठे तो लॉक एंड कीज यूज्ड इन जेल। हेलमेट्स यूज्ड बाय जापानीज सोल्जर्स ड्यूरिंग 1942 to 45। Uniforms of convict officials. It's written over here that petty officer. Petty officer likha hai one. Belt open. Neck ring and uniform of political prisoners. यह है राष्ट्रीय स्मारक, होली पिलग्रिमेज प्लेस, प्लेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया। सो इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे हमारे उस टाइम पे, बिफोर 1947। सो इनकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। सो ये पूरा तो कवर करने से रहे हम और ये दिखाने से रहे, काफ़ी लंबी चौड़ी है लिस्ट, सब देख सकते हैं इसके अंदर। हाँ, ये सारा नेम लिस्ट है नाम के साथ, मीन्स कौन कहाँ से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जांपल दिस वन, इट्स आई गेस इट, ये मे बी कैदी नंबर हो सकता है ना, पीआई नंबर। What is this PI number? Prisoner. Okay. So, for example, this one, Bajendranath Dutt, Krishna Kumar, father's name, residence, this one, Dhaka, Bengal, case, Jaisor, Khulna, conspiracy case. So, this is how it's wrote down over here. Freedom fighters, it's mentioned over here that freedom fighters incarcerated in cellular jail 1909 to 1938.
दिस पोर्शन इज फुल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इमेजेस। सो नाउ सेलुलर जेल स्टार्ट्स। सो जो मैंने आपको मिनिएचर दिखाया था, सो इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम टू सेम है। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट ये सेलुलर जेल जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, ये वन, दैट वन इज टू, एंड ऐसी आफ्टर दैट यू कैन से सो सात टेंटिकल्स यू कैन से। तो वैसे ही बना हुआ है ये, बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, लेकिन ये चीज़ जो था ये उस टाइम नहीं था, ये अभी बनाया गया है लोगों के बैठने के लिए। तो वो आगे दिखाया गया कि मिस कैसे इन लोगों को सजा दिया जाता था हाथ बांध के। अंदर चल के दिखाते हैं कि मुझे कैसे दिखता था पहले, बाहर का पर बताते हैं। ये बेसिकली नॉर्मल ईट है, और इसका जो ये लॉकिंग अरेंजमेंट था ये यहाँ से था, सो दैट जो प्रिजनर है वो ना हाथ यहाँ से ना डाल सके बाहर। सो फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पे प्रिजनर की फ़ोटो भी लगी है कि कौन थे। सो मिलिए इनसे, ये है कोई सानियाल है सरनेम, तो ये उनका, इसमें उनको खाना दिया जाता था, एयर पास होने के लिए। हालांकि उस टाइम पे तो ये लाइट होती नहीं थी, यहाँ से खाना देते थे दिस पोर्शन। सो फॉर एग्जांपल सपोज ये अगर ये बंद है तो जिससे कि प्रिजनर का हाथ बाहर ना जाए और वो हाथ से यू नो कुछ भी तिकड़मबाजी करके कुछ खोल ना पाए लॉक को। सो दैट्स वाई जो वो लॉकिंग अरेंजमेंट है वो
दीवार के साइड तक ये लोग रखते थे। सर इतना सारा दिमाग उन लोगों ने लगाया था इस चीज़ पे। हालांकि यहाँ पे तो कोई लॉकिंग अरेंजमेंट है नहीं, यहाँ पे दे सिंपली पुट वन लॉक दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सा लग रहा है आई गेस, इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड कैदी को रखते होंगे। और ऊपर वो भी है एंकर, वो किसने लगा के रखा होगा उस टाइम पे। एनीवे सो ऐसा ही है पूरा बैक टू बैक, एक जेल ये दूसरा जेल। राइट तो वो ऑफिस था, राइट वो ऑफिस हो सकता है कि वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था देखने में। कुछ भी हाँ, लॉक भी नहीं है एंड बाहर से ताला लटकाने वाला सिस्टम है यहाँ पे। सो इट मे बी एन ऑफिस। जेल वन, दिस जेल टू, दिस इज जेल थ्री। जैसे ये बिल्कुल अंधेरा है, इट्स लाइक दिस एंड सो ऑन, गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, सो यू विल गेट मल्टीपल जेल्स ओवर हियर। वी वर इन टू द ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड फ्लोर वीर सावरकर की कोठरी। सो यहाँ से चलते हैं देखते हैं क्या है। It's also the same. Okay, I will be. Totally a wooden platform. ये कुछ हिस्से जो पुराने हैं सो उनको आई गेस ऐसे रख दिया है, शायद उसको मेंटेन नहीं किया गया सो इसके ऊपर काई जम गई है। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये पूरा हिस्सा जो है, तो ये है। तो जो भी मेंटेन किया गया ये सिर्फ सामने वाले पोर्शन को मेंटेन किया गया सो दैट ये लाल कलर में चमक रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि पीछे वाले को मेंटेन किया गया है क्योंकि पीछे वाला कौन ही देखता है, राइट। सो दिस इज द पॉलिटिकल इंटरनीस इन कैरसरेटेड इन द सेलुलर जेल पंजाब, दैट्स वन ऑफ द पंजाब। वहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे पंजाब है। इन This is from Uttar Pradesh. Lakshmikant Shukla, this is from Bengal. It's also from Bengal. This one is also from Little Bengal. Maybe Bengal se. Okay, incarcerated means ye. Yahan pe wo haath fasa ke जो इनको यहाँ पे पैरों को फंसाया जाता था नीचे इस वाले पोर्शन पे, वहाँ पे ऊपर हाथों को फंसाया जाता था एंड बांध के फिर धुलाई हुई तो होती थी।
सो यहाँ भी बंगाल की तरफ से और यहाँ भी बंगाल की तरफ से, आई गेस बंगाल की पॉपुलेशन ज़्यादा थी यहाँ पे बंगाली की। वहाँ बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, बिहार से कम है लोग। हाँ वो हो गया। बिहार में ये नेपाल कोयरी कहाँ से आ गया? बॉय महाराष्ट्र सावरकर। सो ये एक और कनेक्टिंग पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग उस साइड जा रहे हैं। हाँ सो हम लोगों ने वहाँ से एंट्री किया था, वहाँ से एंट्री करके फिर हम ऐसे ऊपर आए, फिर यहाँ पे ये वाला क्लियर, ये वाला हमने कैप्चर किया एंड हम जा रहे हैं इस साइड। सो इस साइड काफ़ी हरियाली है। सो हम लोग एंट्री कर रहे हैं मॉडल ऑफ सेलुलर जेल। तो वहाँ पे तो जो रखा हुआ था वो भी एक मॉडल था, बट वो शीशे के अंदर गया था। बट ये जो है ये हम रियल में देख सकते हैं, 3D मॉडल जो कि कह सकते हैं इसको। मे बी आई गेस वुडन स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें इसको ना। सो बेसिकली इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं वुड है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे कि हम लोग वहाँ पर काउंट कर रहे हैं, सही है। टोटल नीचे का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऐसे करके काउंट कर सकते हैं यहाँ पे कैसे दिया हुआ है। इसका जो बीच वाला हिस्सा, बीच वाले हिस्से में पता नहीं क्या है, मुझे जाके पता चलेगा, यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड फ्लोर। ये लॉक्ड है। तो दैट मीन्स नीचे भी लॉक होगा वहाँ पे जाने के लिए। ये कौन सा फल का पेड़ है? ये फल है कि क्या है? एक काम करते हैं यहाँ से नीचे आते हैं। चलो नीचे जाने आने का तो खुला है, यहाँ पर लॉक नहीं है। पता नहीं कैसे अजीब से फल है इसमें, समझ में नहीं आ रहे। आई थिंक ये शायद अच्छा फर्नीचर का काम करवाते थे उस टाइम पे, तो प्रिजनर्स से यहाँ पे कारपेंट्री का काम करवाते थे। बुझते
যেখানে কি হবে, মেরামতের সামান রাখা এখানে, যেখানে কি কি করাতে হবে, মেবি কি করাতে, মেবি सो यहाँ पे लिखा है हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड साइट्स नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल, एनीवे दिस इज वर्क शेड कार्यशाला। सो इसके अंदर हम लोग चलते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो है ना इन लोगों से काम करवा देते, सो हाथ पैर बांध के जोर जबरदस्ती काम करवाया जाता था। ये ऑयल मिल, आई गेस ये टाइप ऑफ ऑयल मिल, तेल की धानी तोड़ के फिर रस्सी। ओके, सो इसमें से तेल की तेल निकाला जाता है, राइट, पीस के। हाँ, तो जैसे ये सपोज ये जितने भी प्रिजनर्स हुआ करते थे यहाँ पे, मैक्सिमम तो फ्रीडम फाइटर्स ही थे, सो उनसे ऐसे काम करवाया जाता था। सो ये नारियल तोड़ रहा है यहाँ पे, उनके गले में अभी भी वो बांधा हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स के गले में जो बांधते थे ये लोग एज अ प्रिजनर। आई थिंक इसके गले में जो ये जो लकड़ी का जो फ्रेम, फ्रेम क्या है, फट्टा से कह सकते हैं, छोटा सा जो लटक रहा है, आई गेस उसमें उनका नाम होता था शायद, राइट, नेम टाइप, प्रिजनर नंबर, प्रिजनर नंबर, नेम भी होता था। ओके, तो इससे ये लोग, ये भी एक ऑयल मिला है, जैसे वहाँ पे नारियल को तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद उसको डालेगा इसके अंदर, फिर इसको पीसेगा, फिर इसमें से दिस इज अ मॉडल एंड दैट इज द रियल वे। सो यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया कि मैं कैसे ये लोग तेल निकालते थे नारियल से। और ये पुलिस का ही पर्सन ये पनिश कर रहा है बांध के फ्लॉगिंग फ्रेम में, जैसे कि लास्ट टाइम वहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि कहाँ पे पैर रखते हैं, कहाँ पे पैर को पकड़ा, मतलब लॉक करते हैं, कहाँ पे हाथ को लॉक करते हैं। सो दैट्स ऑल। सामने जो है ये बेसिकली इनको बताया गया है कि बस क्रॉस बार फिटर्स, चेन फिटर्स, पनिशमेंट ड्रेस, ये बेसिकली पनिशमेंट ड्रेस हुआ करता था जो कि जूट का है बना हुआ है। सो यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेन किया गया कि मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेटर्स बोले तो आपका हथकड़ी या फिर जंजीर बांधने का तरीका। तो फर्स्ट इज क्रॉस बार फेटर्स, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे पैरों को दोनों को एक लोहे के सरिए से बांधा गया लॉक किया गया ये कैन से। और सेकंड वाला है बार फिटर्स सिंपली दोनों पैर इंडिविजुअल है बट वो दोनों पैर लॉकड है, एक दूसरे से लॉक नहीं है। और थर्ड वन इज विथ चेन, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, इट्स चेन फिटर्स। और लास्ट जो है वो पनिशमेंट ड्रेस विच इज़ इन मेड अप ऑफ जूट। फांसी घर, यहाँ पे फांसी दिया जाता था लोगों को, प्रिजनर्स को, फ्रीडम फाइटर्स भी कह सकते हैं उनको। गैलोज मीन्स फांसी घर। सो ये फांसी का फंदा सामने लटक रहा है, यहाँ पे फांसी दी जाती थी। सो ये जल्लाद खड़ा होता होगा यहाँ पे, खड़ा होने के बाद लीवर से इस लीवर को खींचता होगा, और जो नीचे तीन
बेसिकली मतलब तीन फांसियाँ, एक दो तीन, सो उसके नीचे ये लीवर सिस्टम वाला अरेंजमेंट है। सो लीवर खींचेगा, नीचे से वो ड्रॉप डाउन होगा, वो नीचे गिरेगा प्रिजनर और फांसी लग जाएगी उसको। सो नीचे का जो पोर्शन है, बेसिकली फांसी लगने के बाद जब वो पर्सन नीचे आता था, मरने के बाद उसको यहीं से कलेक्ट किया जाता था। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, बाकी हम लोग यहाँ पे एंडिंग कर रहे हैं, सेलुलर जेल को एग्जिट कर रहे हैं। बाकी जो लाइट शो जो होगा शाम को अगर हम अटेंड करते हैं, सो उसको भी हम लोग आपके लिए कवर अप करेंगे। सो चलिए दोस्तों इस चीज़ को फाइनली कंक्लूड करते हैं। सो सेलुलर जेल का तो सुबह का विजिट तो हो चुका, अब बस बचा है नाइट का विजिट जो कि है लाइट शो है। सो अब हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कार्विन स्कोप बीच हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमें क्या क्या कर सकते हैं। और हालांकि मुझे जहाँ तक पता चला कि कार्विन स्कोप बीच नॉर्मल बीच है, सो वहाँ पे सो कार्विन स्कोप बीच में जाएंगे हम। वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया एंड